छोले बनाने के लिए तेल में हम जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी और छोटी इलायची फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई करेंगे। साथ ही हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर को भी मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, साथ ही उबले हुए चने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चाय पत्ती का उबला हुआ पानी भी डाल देंगे। पक जाने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। भटूरे बनाने के लिए हम 400 ग्राम मैदे में नमक, अजवैन, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच चीनी और एक कप दही डालेंगे। साथ ही थोड़े से दूध में हम नींबू का रस निचोड़ कर, वो थोड़ा सा पनीर बन जाएगा, वो भी इसी आटे में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदे हुए आटे में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके आटा अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके भटूरे बनाएंगे। देखिए भटूरे कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। देखिए हमारे छोले भटूरे कितने सुंदर लग रहे हैं और इतने टेस्टी बने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं।